बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पश्चिम बंगाल और असम का चुनावी दौरा करने के बाद पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि इस बार असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी तय है। उन्होंने बिहार सरकार विधानसभा की घटना के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया। बंगाल और असम के भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतने वाली, जहां भी सभा हमारी हुई अपार भीड़ हमने देखी। कल प्रधानमंत्री जी की सभा में जिस तरह ऐतिहासिक भीड़ असम के अंदर आई है, असम में फिर से हम सरकार बनाएंगे। सब समाज का साथ हमें मिल रहा है। भारतीय जनता बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों की मारपीट और हंगामा मामले में बिहार के भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष ने सत्ता पक्ष मारपीट का गलत आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की। इतना ही नहीं, मंत्री ने इशारों में तेजस्वी पर हमला बोलते हुए उन्हें सत्ता का लालची करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मलाई खाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। साथियों से कहना चाहूँगा कि उस परिवार के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं, इसके लिए आप स्वयं काफ़ी हैं, मुझसे मत बुलवाइए। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लोकतंत्र की हत्या किसके कारण हुआ है ये मीडिया के साथी समझ रहे हैं, और इसमें कोई पक्ष का और विपक्ष का मामला नहीं है, ये सदन जो है। पटना के गर्दनी बाग में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल सहित बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के नए कृषि बिल कानूनों के विरोध में है, इसलिए वे लगातार इसका विरोध कर सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल से कांग्रेस लगातार बिहार के हर प्रखंड में जाकर किसानों को जागरूक करेगी। डरा रही थी पुलिस, डरा रही थी तब नहीं डरे, तो अब पीटने का भी व्यवस्था कर रही है। तो सरकार का जो काम है वो करे, लेकिन हम समझते हैं न किसान डरने वाले हैं न हम लोग डरने वाले हैं। घटना हो रही, क्या सरकार को जवाब देंगे आप, कांग्रेस पार्टी? जवाब तो हम लोग दे ही रहे हैं, रात में भी धरना दे, जवाब क्या देखें? पिटाई का पिटाई थोड़े करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा हंगामे को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस जेडीयू की पुलिस बनकर कार्य कर रही है। वहीं बिहार के अधिकारियों को भी निशाना पर लेते हुए कहा कि अधिकारी भी सरकार की तरह ही मनमानी कर रहे हैं। सदन में आरजेडी विधायकों पर पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने बंदूक के नोक पर नया पुलिस बिल पास करवाया है, जो उचित नहीं है। पूरे सदन में बंदूक के नोक पर जो बिल पेश कराया गया, उन अधिकारियों को नीतीश कुमार क्लीन चिट दे रहे हैं। यही कारण है कि कोई घटना होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा अपराध होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं। तो नीतीश कुमार जी तो पलटी मारते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े पलटीबाज तो अधिकारी लोग होते हैं, डरने का काम करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल जी जुड़ चुके हैं। राजीव कमल, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार की पुलिस जो है जेडीयू की पुलिस बनकर रह गई है। देखिए, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह सरकार पर हमला बोला है। सरकार पर कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी साड़ी भी खोल दी गई, मतलब उनका कहने का लहजा है कि एक तरीके से जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया वो बहुत बुरा है, और उसी को लेकर वो कहला बहुत एग्रेसिव थे। जिस तरीके से बिल को पास कराया गया, बंदूक के नोक पर पास कराया गया है, पूरे ऐसा लगा कि पूरा जदयू का ही पुलिस है जो एक तरीके से विधायकों को पीटा गया, मारा गया, उसको लेकर तेजस्वी काफी नाखुश है। और वहीं कल 26 मार्च को पूरा भारत बंद है, उसमें समर्थन देने की बात कही, और वो भी कहा कि बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और महंगाई और जो भी विधायकों के साथ अत्याचार हुआ, उसको लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम बंद में कल पूरा बिहार बंद करेंगे, उनका कहना था तेजस्वी का।
राजीव जी, सदन में जो हुआ वो तो निंदनीय है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान पत्थर फेंका गया उसके बाद से झड़प हुई, इसको लेकर क्या तेजस्वी यादव ने कुछ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? देखिए, तेजस्वी का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, पहले पत्थर उनके तरफ चला है, पुलिस की तरफ से चलाया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, पूरी तरीके से मारा गया है। मेरे ऊपर खुद तेजस्वी कह रहे थे कि हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया, हमारे पर मारने की साजिश की गई, हमें मारने की साजिश की गई। ये पुलिस जदयू की पुलिस है, ना कि ये बिहार पुलिस है जो जदयू के इशारे पर और नीतीश कुमार के इशारे पर काम करती है। राजीव जी, तो क्या तेजस्वी आगे क्या क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कार्रवाई करने वाली, इस पर क्या कुछ वो अपना प्रतिक्रिया देंगे विधानसभा में, क्या कुछ कहने वाले हैं इस पर, कुछ उन्होंने कहा? विधानसभा का तो सत्र खत्म हो गया है, लेकिन कल वो कह रहे हैं कि हम पूरे भारत बंद, जो किसान के द्वारा, ऑल इंडिया किसान मोर्चा द्वारा ये बंद बुलाया गया है, हम उसको लेकर भी साथ रहेंगे और पूरे जो विपक्ष है उसके साथ हम यहाँ खड़े रहेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बर्बरता की गई और जो बिहार पुलिस सशस्त्र अधिनियम आया है, बिल जो पास करा लिया गया है, उसके खिलाफ भी हम कल एक तरीके से बिहार बंद रखेंगे। और वहीं एक बात बता दें आपको कि जो ये कानून है, जिस तरीके से कोई भी किसी को पुलिस कहीं भी उठा लेगी ये इस तरीके से और उसको जेल में बंद कर देगी और अपने तंत्र को मतलब एक तरीके से बिहार जितने भी जनता को परेशान करने वाली जो ये बिल आया है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि जो मेरे पास 30 फुटेज है जिसमें मंत्री विधायक जो हैं सत्ता पक्ष के, वो लोग मारने का काम कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा, हमारे पास वो पूरी। और वही पत्रकारों को लेकर जिस तरीके से पत्रकार पर हमला हुआ है उसको लेकर भी उन्हें कहा कि हमारे पास फुटेज है, वो भी हम फुटेज दिखा सकते हैं और आगे हम प्रस्तुत भी करेंगे इसको लेकर। जानकारी देने के लिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि सदन में जो हंगामा हुआ था, सदन से बाहर जो जब 23 मार्च को जो दोनों तरफ से झड़प हुई थी, RJD कार्यकर्ताओं की तरफ से और जो पुलिस की तरफ से, दोनों तरफ से झड़प हुई थी, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो झड़प हुई उसको लेकर के निंदा की है। और उन्होंने जो है नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस जो है JDU की पुलिस बनकर रह गई है।